मुरादाबाद के नागफनी इलाके में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश के चलते झगड़ा हो गया, जिसके चलते तीन दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक और एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। हालांकि मामले में नागफनी पुलिस ने दबंगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के नागफनी थाना क्षेत्र के हजारी इब्राहिम मस्जिद के पास का सामने आया है, जहां घायल नसीम अली ने बताया कि रविवार की रात को वो अपने घर पर ही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले असलम सोएब और फैजान टीवीएस स्कूटी से उसके घर पर आ धमके और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। गाली गलौज का विरोध किया तो उन लोगों ने उसे और उसकी बुजुर्ग अम्मा के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। नसीम का आरोप है कि मारपीट में उसकी नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। मारपीट की सूचना मिलते ही मौके पर नागफनी पुलिस भी पहुंची और हमलावरों की स्कूटी घर के बाहर खड़ी थी, जिसको ई रिक्शे की मदद से पुलिस थाने पहुंचाया गया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाने से चंद कदमों की दूरी पर घर में घुसकर मारपीट की घटना से पूरे मोहल्ले में सनसनी मची है। मैं घर में था, वो बाहर थे, वो दोनों आए, मुझसे बोला हाँ भाई बता क्या कह रहा था तू, और इस बात पे एकदम ही मारपीट शुरू कर दी उन्होंने। फैजान और शुएब और उसका बाप मुकरी असलम, कहाँ के रहने वाले हैं? ये ऊपर ही रहते हैं अधीर पे। किस बात पे आए और क्या हुआ? कोई भी बात नहीं थी, मैं तो घर में था। तो मारपीट की वजह क्या है, क्यों मारा? कुछ भी नहीं, बेवजह की तो बात है, मैं तो नमाज पढ़ गया। पुरानी रंजिश थी? हाँ, पुरानी बातें हैं जो घर में हो जाती हैं थोड़ी बहुत। अच्छा जी, किस चीज से हमला करा है? हाथ, क्योंकि उनके पास हथियार थे। आपके अलावा दूसरों किसको चोट लगी? वालदा के लगी है मेरे। क्या नाम है उनका? राजदा परवीन। थाने में कंप्लेंट करा दी आपने? जी। कौन सा थाना लगता है आपका? थाना नागफनी। कितने लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दी है? तीन लोगों के खिलाफ। क्या क्या नाम है? असलम, शुएब, फैजान। क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। अच्छा, ये जो ऊपर आपके रहते हैं कौन, रिश्तेदार हैं या फिर किराएदार हैं? कौन? ये रिश्तेदारी हैं।